इस तरीके से रेक्टेंगल पीस ऑफ फैब्रिक लिया है 14 इंच, और ऐसे मैंने लिया है 20 इंच मेन फैब्रिक, बीच में फॉर्म शीट, आटा बैग, राइस बैग, कुछ भी आपके पास, और उसके नीचे लाइनिंग। अब इसे सिलाई लगा के वन पीस रेडी कर ली। देखिए मैंने इस पे सिलाई लगा ली। अब ये मैंने कट कर लिया। इस साइज की हमें जिप चाहिए, सीधी तरफ इस तरीके से रखते हुए इस तरीके से यहाँ पे रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा ली पूरी इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से पलटते हुए यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लिया। एक तरफ जिप अटैच होगी, रखना है इस तरीके से पलटते हुए इसके ऊपर, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे भी सिलाई, ये पूरी इस पे सिलाई लगा ली। अब इसे भी पलटते हुए यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लिया। तो जिप हमारी इंसर्ट हो गई। अब इस तरीके से मेरे पास पतले वाला गोटा पड़ा है, ऑप्शनल है, आपके पास कोई लेस है लगा सकते हैं। एक लेस का पीस मैं यहाँ लगा लूंगी और एक यहाँ लगा लूंगी। कैसे मैंने रिबन लगा देते कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इस। ये देखिए आप, एक रनर को यहाँ से इंसर्ट कर लीजिए और एक रनर को यहाँ से इंसर्ट कर लीजिए। और अगर आपको भी रनर डालने में यहाँ से इस तरीके से दिक्कत होती है, तो इस वीडियो के नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है कि रनर कैसे इंसर्ट करना है, आप वो वीडियो देख के इंसर्ट कर सकते हैं। ये मैंने रनर को इंसर्ट कर लिया, इस तरफ से भी रनर इंसर्ट हो गया और इस तरफ से भी रनर इंसर्ट हो गया, दोनों तरफ से हो गया। इसे हम डिवाइड कर लेते हैं टू पार्ट्स में, यहाँ से इस तरह। ये देखिए तो ये हमारे दो पीसेज आ गए, वन और टू, दोनों अलग अलग आ गए। अब हमें क्या करना है, इनके अंदर हम पॉकेट्स लगाएंगे। तो एक पॉकेट हम ये वाली पॉकेट बनाएंगे और दो पॉकेट हमारे यहाँ पे बनेंगी। तो दो पीसेज लिए मैंने, एक पीस हमारा इस पे लगेगा, एक पीस हमारा इस पे लगेगा। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। इसकी लंबाई है 11.5 इंच और इसकी विड्थ हमें इसके बराबर लेनी है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से एक तरफ से इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई लगा ली। ये देखिए ये मैंने एक तरफ से सिलाई लगा ली। अब ये लेना है, इसके ऊपर रखिए इस पीस को इस तरीके से, फिनिश वाली साइड इस तरफ रखनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए और एक सिलाई हमें यहाँ से लगानी है 7 इंच पे। ये लगा ली, एक सिलाई हमें यहाँ हाफ में इस तरीके से लगानी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए और यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली, यहाँ से लेके यहाँ तक, एक यहाँ एक यहाँ। तो वन और टू, टू पॉकेट्स हमारी यहाँ बन गई, एक बड़ी पॉकेट हमारी यहाँ पे बन गई इस तरीके से। तो थ्री पॉकेट्स हमारी इसमें बन गई, थ्री पॉकेट्स हमारी इसमें बन गई। अब हमें क्या करना है, हम इसमें पहले हैंडल लगा लेते हैं। तो यहाँ दोनों में ऊपर की तरफ हम इसमें हैंडल लगाएंगे। तो मैं रेडीमेड हैंडल यूज कर रही हूँ इस तरीके से, और इसे लगाने के लिए इस तरीके से गोटा यूज कर रही हूँ। आप इस कपड़े की स्ट्रिप बना के भी यूज कर सकते हैं। अब हमें सिंपल करना क्या है, इस तरीके से डालते हुए इस तरीके से यहाँ पे रखते हुए इस तरीके से यहाँ पे एक हैंडल को इसके साथ अटैच कर लीजिए और एक हैंडल को इसके साथ। ये दोनों मैंने हैंडल इसमें अटैच कर लिए। अब हमें जिप चाहिए, एक जिप हमें इस यहाँ पे लगानी है इसके साइज की चाहिए, एक जिप हमें इसके साइज की चाहिए। तो जैसे इसमें लगानी है वैसे ही इसमें भी लगानी है। तो इसे हम खोल लेते हैं इस तरीके से, ओपन कर लिया, सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है इस तरीके से रखते हुए, यहां से लेके यहां तक इस पे सिलाई लगा लीजिए। एक पीस इस तरफ और एक पीस इस तरफ, यहाँ और यहाँ सिलाई लगा ली इस तरीके से। जिप को मैंने अटैच कर दिया। अब इसे पलटते हुए इस तरीके से यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लीजिए इस तरफ भी, और सेम उसी तरीके से इस तरफ भी। मैंने इस पे इस तरीके से टॉप स्टिच लगा लिया। तो जिप का एक पीस इस तरफ लग गया, एक इस तरफ लग गया। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरीके से पलटते हुए यहाँ पे रनर को इंसर्ट कर लीजिए। और जैसे जिप हमने इस पे लगाई है वैसे ही हमने देखिए यहाँ भी जिप लगा लिया। तो इस तरीके से दोनों पीसेज हमारे रेडी हो गए। अब हम इसमें जिप को इंसर्ट कर लेते हैं रनर को। तो यहां से रनर को इंसर्ट कर लीजिए। रनर कैसे इंसर्ट करते हैं, वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एक रनर इसमें इंसर्ट कर लीजिए, सेम उसी तरीके से एक रनर यहाँ पे इसमें इंसर्ट कर। ये देखिए ये मैंने इस तरीके से रनर को इंसर्ट कर दिया, इसमें इंसर्ट कर लिया, इसमें भी इंसर्ट कर लिया, रनर को इंसर्ट कर लिया। तो दोनों में रनर इंसर्ट कर दिया इस तरीके से, एक ये हो गया एक ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे अंदर की तरफ सिलाई लगानी है। तो इसे अंदर की तरफ को फोल्ड कर लीजिए। और यहाँ पे दोनों तरफ सिलाई लगा लीजिए। मैंने सिलाई लगा ली यहाँ से लेके यहाँ तक, दोनों पे, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लग गई। अब हमें क्या करना है, ये जो रफ एजेस है सिंपल स्ट्रेट पट्टी ली है, फोल्ड करते हुए इस तरीके से हाफ नीचे की तरफ हाफ ऊपर की तरफ इस तरीके से रखते हुए रफ एजेस को फिनिश कर लीजिए। 1 2 3 4 चारों रफ एजेस को इस तरीके से पट्टी से फिनिश करने, रफ एजेस फिनिश कर लिए। अब यहां से हम इसे
इसे सीधा कर लीजिए, इसे भी सीधा कर लीजिए और इसे भी सीधा। मैंने इसे सीधा कर लिया, इसे भी सीधा कर लिया, इसे भी सीधा कर लिया। तो एक हैंडल हमने इसमें लगाया था, एक हैंडल हमने इसमें लगाया था। अब हमें क्या करना है, जो हैंडल का दूसरे वाला पीस कॉर्नर है, ये वाला हैंडल के दूसरी तरफ वाला, इसे इससे मिलाना है। इस तरीके से मिलाते हुए ये देखिए, इस तरीके से बराबर मिलाते हुए ऐसे सिलाई मशीन में रखना है। नीचे वाला इस तरीके से नीचे कर देना है, ऊपर वाला भी ऐसे कर देना है। यहां से लेके यहां तक इस पे सिलाई लगा ली, मैंने इस पे सिलाई लगा ली यहां से लेके यहां तक। तो सिलाई लगी, देखिए एक बड़ी पॉकेट हमारी यहां बन गई, एक बड़ी पॉकेट यहां बन गई, 3, 4, 5, 6 छह पॉकेट हमारी इसमें अंदर की तरफ बन गई है। इस तरीके से यहां से हमारी जिपर क्लोज हो गई, यहां से हमारे हैंडल आगे देखिए इस तरीके से फ्रंट साइड बैक साइड। तो हमारा बैग बिल्कुल रेडी हो गया, दो पॉकेट्स हमारी यहां बन गई हैं। इसी तरीके की एक पॉकेट हमारी यहां पे बन गई है देखिए इस तरीके से 10। तो 10 बनाने में बहुत ही आसान, सिंपल और इजी तरीके से हमने बनाया और देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है इस तरीके से। तो ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी टू यूज है, फ्रंट साइड बैक साइड यहाँ पे डबल जिपर के साथ मल्टी पॉकेट्स अंदर की तरफ बिल्कुल रेडी हो गया है।